यस तो बच्चों नीट का पेपर आपका हो चुका है आज, ठीक है। और नीट के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर आपको मतलब मैं सीरियसली बोलूँ 160+ स्कोर मतलब कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसने अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे या फिर क्लास नोट्स जो मैं रहते हैं उसके अंदर मैं आपको बोलूँ तो लगभग आपके 30+ क्वेश्चंस मतलब एज इट इज क्लास नोट्स से हैं। मतलब अगर हम क्लास नोट्स की बात करी जाए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए गए हैं। तो चलो फटाफट से अपन एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपका जो सेट है वो डिफरेंट हो सकता है बट एक बार देख लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट शेल। तो बेटा हेक्सागोनल की जब बात करते हैं तो रैंक आपका कितना आता है? 6 आता है, ठीक है। रैंक कितना होता है? 6। और हमने ये डिस्कस किया कि अगर रैंक की वैल्यू बच्चों 6 होती है तो इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना हमेशा इक्वल होता है आपके रैंक के, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 6। बाकी अपन अगर टीवी की बात करेंगे, अब देखो इसमें इसने क्या पूछा भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे तो टी आपका ट्वाइस होता है, 2 × रैंक जो एफ एम बोल सकता हूँ, 2 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टीवी की वैल्यू आपकी 12 होनी चाहिए। तो देखो इसमें पहले टेट्राहेड्रल बोला है फिर ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब आपका आंसर होना चाहिए 12.6। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप देख सकते हो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, 52। तो BF3 इज प्लेनर, उसने पहले बोला कि BF3 कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है एंड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड्स। और बस ले बड़ा देखो ये BF3 का स्ट्रक्चर है, इसको रेगुलर स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है भाई बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है बिकॉज फ्लोरिन के पास क्या आपके लोन पेयर्स, ठीक है। लेकिन इसमें जो पूछा है उस पर चलते हैं अपन। इसने पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है बिकॉज आपको पता है बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है भाई। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर इसने बोला है कि इसमें बताना है कि हाइड्रेशन क्या होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो हाइड्रेशन तो बेटा बिल्कुल फिक्स है आपका sp2 ही होगा बिकॉज आपके 3 बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपके 6, तो आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मतलब इससे आसान क्वेश्चन और क्या आ सकता है, सर से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 53। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो एक इसमें ना बहुत बार बच्चों कन्फ्यूजन हुआ था डिस्टिलेशन और जॉन रिफाइनिंग को लेकर। तो देखो जॉन रिफाइनिंग जो आपका प्रोसेस है, इस जॉन रिफाइनिंग के अंदर ना हम लोग जो सेमी मेटल्स होते हैं मतलब जो अपन मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो मेटलॉइड्स को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसने बोला है कि भाई हाईली प्योर मेटल ऑब्टेन करना है और फिर आपको करना है कि वो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मतलब हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकती है, तो उस केस में अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, जॉन रिफाइनिंग नहीं होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अब मतलब सीरियसली बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हैं। यस क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस। ऑब्वियसली पता है कि जो नोबल गैसेस हैं वो बेटा इनर्टनेस पेपर को शो करते हैं, ठीक है। और बोला कि टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बिकॉज ऑलरेडी आपके स्टेबल होते हैं, ठीक है, कंप्लीट अप्रोप्रिएट रहता है। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं बताऊँ आपको बताऊँ एक बात की नीट एग्जाम की बात करी जाए या फिर आपकी जेई मेन्स की बात करी जाए, इसमें ना हमेशा क्वेश्चन नॉट को लेके बहुत आता है। मतलब नॉट यूज करेगा आपसे, जो भी प्रॉपर्टीज पूछेगा ना नॉट करके आपसे जरूर पूछेगा। तो इसने वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपको पता है ये गैसेस हैं, तो गैसेस है तो गैसेस बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो हाई हो ही नहीं सकता ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। इसने बोला है कि भाई हाई होगा तो पहला तो आपका यहाँ पे गलत हो गया, तो उसने गलत ही पूछा। दूसरा है नोबल गैस बॉन्ड वीक बॉन्ड वो बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव भाई इलेक्ट्रॉन गेन थे ऑब्वियसली हाई होने वाली है बिकॉज इनके पास क्या है भाई, अगर आप देखो ना कंफ्यूजन तो NH2 NP6 फुली फिल्ड ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते हैं तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन थे भी फॉलो करेंगे। लास्ट नोबल गैस स्प्रिंगली सॉलेबल, बिल्कुल सॉलिबिलिटी नहीं शो करेंगे बिकॉज वो आपके यहाँ पे क्वालिटी आपके डिफाइन नहीं। इसे पूछा इनकरेक्ट, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन जो इनकरेक्ट की बात कर रहा है तो जो फर्स्ट होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन देखो आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 54 में देखो जो चीज पूछी गई है वो आपको थर्मोडायनेमिक्स लेके पूछी गई है।
रिएक्शंस आपको दे रखी है कि भाई एक रिएक्शन आपकी ए से बी, इसमें ए आपका यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, बी आपका क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात करी जरे। फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसमें दे रखा है माइनस में, देखो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको माइनस मतलब क्या है डेल्टा एच जो दे रखा है वो आपका है माइनस में, तो नेगेटिव का मतलब प्रोसेस कैसा है एक्सोथर्मिक है, राइट। दूसरा बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन वो आपको पॉजिटिव में दे रखी है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन पॉजिटिव में है, वो पॉजिटिव में रहेगी। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ फॉर द, तो देखो इसमें बिल्कुल सा क्लियर है भाई, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है और वहां पे आपका क्या है नेगेटिव डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होगा भाई, जो बी होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, देख तो बी तो आपका मोर स्टेबल होगा, ए क्या होगा आपका लेस स्टेबल, तो सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देगा प्रोडक्ट के साइड में, प्रोसेस तभी एक्सोथर्मिक होगा। तो आपको देखना है कि ए का जो कर्व है वो ऊपर होना चाहिए, बी का कर्व नीचे होना चाहिए, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, वो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी तो कहीं दिख ही रहा है, ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे बोला गया कि नोबल गैसेस, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जहाँ पे आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करी जा रही है, फिर आपका लास्ट में, ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप देखो बिल्कुल एनसीईआरटी से है, बिल्कुल मेरे नोट्स से, एज इट इज नोट्स से, जितने भी क्वेश्चन अभी अपन ने करे बिल्कुल नोट्स हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का आपका ये स्ट्रक्चर रहता है, ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे बेरियम, वैसे मैं अगर जनरली बात करूँ मोनोमर फेज के अंदर, तो बेरियम क्लोराइड आपको इस तरीके से मिले, लेकिन अगर डाइमर फेज में चला जाएगा तो मतलब ये सॉलिड फेज को एक्वायर करेगा, और सॉलिड फेज को एक्वायर करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा भाई, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प लेगा, पायर बॉन्ड जो रहता है, तो क्लोरीन लोन पेयर्स आपके इस तरीके से अटैच होंगे, तो ये फेज आपको देख, ये आपको क्या होगा मोनोमर फेज, दिस इज दी मोनोमर फेज, और ये आपको यहाँ से मिलेगी डाइमर, मतलब पॉलीमर फेज में चला। फिर इसने ये बोला है कि अगर आपका बेरियम क्लोराइड सॉलिड सॉलिड स्टेट में होगा, और पूछा इन वेपर फेज में, तो सॉलिड फेज का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो देखो ये अगर अगर आपके ये सॉलिड फेज में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ पे इसका जो हाइड्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वो sp3 एक्वायर करेगा, और आपकी वेपर फेज की बात करेंगे तो sp2 में रहेगा, तो लीनियर तो दोनों फेज में हो नहीं सकता है, रॉन्ग हो जाएगा, डाइमर एंड लीनियर उसने बोला है, ठीक है। और फिर उसने बोला है चेन इन बोथ, ये भी नहीं हो सकता, लास्ट इज चेन एंड डाइमर, ठीक है, तो आपको पता है कि सॉलिड फेज की बात करेंगे तो फिर आपका चेन एंड डाइमर फेज को एक्वायर कर लेगा, तो इसका कौन सा होगा फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट बैठेगा, समझ में आया, क्लियर हो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो आपको पता है कि एसिड स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये भी डायरेक्ट क्लास नोट से ही है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलनी है, एच एफ के साथ, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का है, इसका रिवर्स कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि भाई एच आई की बात करेंगे आयोडीन बिगर साइज का है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग वीक होगी, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, एज द साइज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इफ बोथ इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl HBr डिक्रीजेस, तो इसका बिल्कुल सही मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट भाई, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो, ये भी करेक्ट है, दोनों बिल्कुल वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, इसमें देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन अपन ने करे थे, यही सेम क्वेश्चन है, और मैं हमें हमेशा बोला है कि रेडियो ट्रांसमीटर पे क्वेश्चन आता ही है, रेडियो ट्रांसमीटर से क्वेश्चन सीधा देखो पूछा गया है, ठीक है, जो अभी कुछ दिन पहले अपन ने क्लास नोट्स में ही किया था एज इट इज। तो देखो एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली आपको दे रखी है, फ्रिक्वेंसीज की दे रखी है, राइट, किलो हर्ट्ज में दे रखी है, तो उसको अपन हर्ट्ज में लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर, और उसने बोला है कि भाई यहाँ पे जो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है यहाँ से जो हम फॉलो कर लेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू होता है, और बाकी इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी एस सी डिवाइड बाई आपका लैम्बडा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो वही वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ अब देखो यहाँ से अपन क्या इसको म्यू सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा आपका सी और म्यू, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और सी आपको पता है, वैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसमें एक तो ये ऑप्शन काफी क्लोज है इसके साथ, ठीक है, तो ऑप्शन दोनों क्लोज है, तो आपका 2/9.2 है, 2/9.3 है,
तो इसका आपका देखो 219.29 आंसर आता है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो फिर आपका ये 2 वाला इसको कैंसिल करेंगे, अपन इस 4 पे जाएंगे। तो हो सकता है फर्स्ट वाला भी करेक्ट बैठे, अब लास्ट की आपको देखनी पड़ेगी एनटीए क्या रिलीज करता है, लेकिन अभी आपका आपके लिए क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। इस क्वेश्चन से तो आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। 60 से सिर्कोरियम होपियम की बात करेंगे, सिमिलर एटॉमिक रेडियस यानी रेडियस के बारे में बात कर रहा है, तो डायगोनल रिलेशनशिप आंसर नहीं हो सकता है। लैंथ्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यस इट इज आंसर, ठीक है, बिकॉज टाइटेनियम जिर्कोनियम होपियम रोपियम इसकी बात करें तो लास्ट में यहाँ पे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन दोनों की बात करेंगे तो आपका आपको यहाँ पे जब जिर्कोनियम होपियम की बात कर रहा है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैंथ्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लैंथ्रोनाइट नेक्स्ट आपका एक्टिनाइट, तो आपका सही आंसर होगा लैंथ्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इससे आसान क्वेश्चन और क्या आ सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, मैंने गिगांट रिजल्ट बहुत बार डिस्कस किया, यहाँ पे फॉलो किया गया है C2H5MgBr और इसका ड्राई इथर उसने फॉलो किया है, ठीक है, तो ड्राई इथर क्या करता है, इसकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, तो उससे मुझे पता नहीं वो सॉल्वेंट, बट इसका आपको अटैक करना आना चाहिए, बाकी तो बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो एसीटोन देख लो आपके, यहाँ से इधर रखा है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एच थ्री, आपको पता है कि पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव, यहाँ से C2H5 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, MgBr तो ऊपर अटैक कर देगा, आप समझ में आता है बिल्कुल, और यहाँ से आपका C2H5 नीचे अटैक करेगा, तो ये ना यहाँ पे एक चेन बनने वाली है कुछ इस तरीके से, देखो CH3 NCH2 देन कार्बन, इसके ऊपर यहाँ पे OH बन जाएगा, भाई MgBr का जब हाइड्रोलिसिस होगा एसटी मीडियम के साथ वाटर डाल रखा है उसने, तो यहाँ पे क्या होगा HNOH, वो MgOHBr बाहर निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ से बनेगा OH, तो वो तो आपका अल्कोहल सेक्शन ऊपर बन गया, ठीक है, और बाकी CCH एक CH3 इधर एक CH3 इधर, आपको सिर्फ चेक करना है कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, तो आप नंबरिंग करके देख लो इसका 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, तो 2 पे आपको मिथाइल दे रखा है, आप ध्यान दो 2 पे ऑल दे रखा है, 2 पे मिथाइल तो देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं, ठीक है, तो ब्यूटेन वाला होगा 1, 2, 3, 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे ही ऑल है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 62 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 61 की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या दे रखे है कि भाई लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको करना है यहाँ पे क्लियर, तो पीसीएल 5 की बात करते हैं, तो पीसीएल 5 आपका किस तरीके से होगा, यस वन सेकेंड, यस यस, तो 61 पे हम बात कर रहे थे, 61 का देखते हैं, तो इसमें पीसीएल 5 की बात करते हैं तो वो आपका होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट, एक आपका 4 हो जाएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अगर चेक कर लोगे, 2 आपका अगर मैच कर जाएगा तो आप बाकी देख सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे सेकेंड आपका SPF एक है, SF6 दे रखा है, राइट, SF6 के बारे में अपन बहुत डिस्कस करते हैं पीसीएल 5 के बारे में, SF6 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब देखो ए का होना चाहिए आपका 4, ए का 4 मतलब थर्ड और फोर्थ में, मतलब ये तो नहीं होगा थर्ड और फोर्थ में से, नेक्स्ट वी की बात करते हैं वो थर्ड, मतलब ये 3 और 4 आगे देखना पड़ेगा, सी पे बात करते हैं, सी में दे रखा है BR5, BR5 मतलब BR5 दे रखा है, इट इज ए स्क्वायर पिरामिडल, लास्ट में BF3 है तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, समझ में आ गया, बिल्कुल बिना बनाई आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 62, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, द आयोपेक, इसको अपन ने भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो इसका आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, पीकेबी इसको बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला आपका, ठीक है, पीएच इक्वल टू कहते हैं 7+, भाई ये वैल्यू आपकी आती है, सिंपल से मैं बोलूं कि भाई ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दो, तो पीएच इक्वल टू आपका यहाँ से आता है 1/2 pKa - 1/2 pKb, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन इक्विलिब्रियम जो फिजिकल केमिस्ट्री है यहाँ से आप बिल्कुल फॉर्मूले को भी एस्टी ध्यान करके जाओगे बात बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7+ रहेगा बस एक्स्ट्रा, आप सीधा भी सॉल्व कर 7+ जो भी वैल्यूज यहाँ से निकल के आएगी इसमें से 7 को ऐड करना था, तो 7 को ऐड करना था तो मतलब एक तो ये कॉमन सेंस की बात करते हैं, ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, तो सेकेंड और फोर्थ में से एक बनेगा, बट आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आप यहाँ पे देखो पीकेए की वैल्यू दे रखी है, राइट, और फिर आपको यहाँ पे पीकेबी और पीकेए दोनों आपको दे रखे हैं, उनकी वैल्यूज को अपन यहाँ पे पुट करेंगे, 7 के साथ अपन इसे ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे, इसका ही ऑप्शन आपका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो वैसे भी आपने देखा कि 50% तो देखते ही सॉल्व हो गया था, ठीक है, और 7 से ऊपर जा रहा है, बिकॉज 7+ है ना, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन 65,
मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये है, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें बोला कि टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के ना एनसीईआरटी के अंदर आप देखो, तो एनसीईआरटी में टिंडल इफेक्ट का आप स्टेटमेंट ओपन करके देखोगे ना, तो वहां से आपको सिर्फ उसके दो ही एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां पे, और दो एग्जांपल्स में से एग्जांपल ये स्टार सॉल्यूशन का ही है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकंड इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी देखो, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर एम, एम का मतलब मेमोराइज। तो आपको हाइड्रोजन चैप्टर की अगर बात करी जाए तो वहां पे आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम, इनके बारे में बात करी गई है। और इसने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ट्रिटियम के बारे में, ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और आपको बिल्कुल आसान से मैं बोलूंगा, आपको ये भी पार्ट डिस्कस होती है, स्टेटमेंट आता है जो द फॉलोइंग पार्टिकल्स। तो अल्फा नहीं होता है, बीटा नहीं होता, आपका गामा नहीं होगा, आपका न्यूट्रॉन नहीं होगा, बीटा इज द आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पूछा गया। तो आपको पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ पे ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी वहां पे ज्यादा होगी भाई जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे आपका फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत अधिक नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे जो फ्लोरीन वाला ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये काफी मतलब जो देखो जितनी बॉन्ड छोटी होती है, जितना बॉन्ड आपका स्मॉल, मतलब मैं बोलूँ कि भाई जो बॉन्ड लेंथ जितना आपका छोटा होगा, वहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी आपको उतनी ही मैक्सिमम डिफाइन करनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा यही पे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी ज्यादा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका कार्बन के साथ फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और बाकी आपका वाटर, किसा यूरिया दे रखा है 250 ml, ये भी 250 ml है, देन आपका बाकी 250 ml ये दे रखा है। आप देखो यहाँ पे जो सारा डाटा दे रखा है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर है। तो इसमें पूरा है कि भाई द राइट ऑप्शंस फॉर द डिक्रीजिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस। तो यहाँ से ना मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे निकाल सकते हैं। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये इसका आपका जो सही ऑप्शन बैठेगा वो हो जाएगा, सबसे अधिक हम बात करते हैं तो यूरिया, सुक्रोज जाएगा, सबसे लास्ट में आपका ग्लूकोज जाएगा, ये इसका ऑप्शन होगा। सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा, बाकी बातों तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट आपकी बराबर आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड्स ऑफ मेटामेरिज्म। यार मतलब क्या बोलूं इस क्वेश्चन को देख के, मेटामेरिज्म के बारे में पूछा गया। तो मेटामर्स आपको पता है कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कि भाई आपको पता है कि एक जो आपके पॉलीवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं उस पर अपन डिफरेंट ग्रुप को हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जर्नली ना ये ईथर वाले सेक्शन, एयरकोल्स वाले सेक्शन दे रखते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, यस कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आप बना के देख लो स्ट्रक्चर, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें तो बोला गया कि भाई द कंपाउंड्स दैट विल रिएक्ट विद हिंजबर्ग्स रिएजेंट टू गिव सॉलिड, टू गिव ए सॉलिड, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन अल्कलीज। तो आपको पता है कि जो 1 डिग्री अमाइंस होते हैं ये आपके सॉल्युबल होते हैं, 2nd डिग्री अमाइंस की बात करते हैं तो आपकी लेस सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, 3rd डिग्री अमाइंस की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी नहीं डिफाइन होती हिंजबर्ग के साथ। तो डायरेक्ट आपको ये टेस्ट भी मैंने आपको डिस्कस किया, आप लेक्चर्स देख सकते हो मेरे। तो वहाँ पे आपको 1 डिग्री अमाइन खोजना था, ये कौन सा है 2nd डिग्री, तो ये नहीं हो सकता। ये कौन सा आपको दिख रहा है, देखो 3rd डिग्री अमाइंस दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी नाइट्रो वाला सेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका 2nd ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो 2nd ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो अपन ने भी देखा था, ठीक है, ये देखो रहा आपका ईथर, 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, ये देखो डिफरेंट ग्रुप आपको मिल रहे हैं। तो जैसो यहाँ पे आपको मेटामर्स आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना के दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है कि भाई 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल्स बिलोंग टू क्लास ऑफ नार्कोटिक। तो भाई ये तो मेडिसिन होती हैं, ये नार्कोटिक थोड़ी नहीं है, एक पे हम एडिक्शन थोड़ी नहीं आता है, ये तो मेडिसिन आपके बेसिक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनालिसिस। भाई ये तो आपकी नार्कोटिक्स होती हैं, मतलब आप जो इनकी लत लगती है, मतलब इनकी हैबिट लगती है, हैबिचुअल हो जाती है, यूज्ड हो जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा बॉयल्स लॉ के अंदर।
कोई सोचे ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ए डिफरेंट टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे आपका ये प्रेशर है, इधर आपका वॉल्यूम दे रखा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। तो इसका सीधा से ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ग्राफ को आपको देखना है और चीजें सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 73 में द करेक्ट स्टेज ऑफ 2.6 डाइथाइल डेक 1 इन। तो बस नंबरिंग करना है, 2.6 में देखना डाइमिथाइल आना चाहिए, राइट, डाइमिथाइल। तो नंबरिंग हम कहते हैं 1 2, फर्स्ट वाले में नीचे से अगर 1 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 पे नहीं आएगा, ऊपर देखो 1 2 आ सकता है, लेकिन 3 4 5 5 नहीं है तो पहला तो नहीं हो सकता। सेकंड बात करते हैं 1 2 3 3 पे आपको ये नहीं आ रहा है, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ 4 पे ये नहीं आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है 1 2 3 4 4 पे ये नहीं आ रहा है, 2 पे आपका मिथाइल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 पे भी मिथाइल आ रहा है, 6 7 8 9 10, ठीक है, एक बार ये हो सकता है, देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में 1 2 3 4, तो 4 पे आपको देखो ये नहीं मिल रहा है, 4 पे ये नहीं आ रहा है, और 4 पे उसने ये नहीं बोला है, बट यहाँ पे कहता 1 2 3 4 5 पे ये नहीं आ रहा था, तो 3 भी इनकरेक्ट, या आपका 4th ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब आईओपैक से इतना आसान क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, मतलब इतना सेलेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एंड लैंथ्रोइड्स आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही है, कलरलेस ही होते हैं। उसने पूछा आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, मैंने बोला था ना हमेशा क्वेश्चन इनकरेक्ट या फिर नॉट को लेके ही आपको डिस्कस किया जाते हैं, बच्चे करेक्ट देख के उसे टिक करते हैं। तो देखो, तो पहला तो आपका नहीं हो सकता, इनके गलत पूछा उसने, लैंथ्रोइड्स आर गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कनेक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं वो, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एस्पेशली फॉर फाइनली डिवाइडेड, ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सही है। प्लस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड लैंथ्रोन कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो करेक्ट, पर उसने इनकरेक्ट पूछा है, दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ ली होगी तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 75, कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो आसान है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उठा लो और देख लो कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर को डिस्प्लेस करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला आपका रिड्यूस होगा। तो क्रोमियम एल्यूमिनियम पहले ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी को देखने की जरूरत नहीं, डिकम्पोजिशन है ये कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी आपका डिकम्पोजिशन ही तो हो ही नहीं सकता, एक बार ये बैठ सकता था बट यहाँ पे हो ही नहीं सकता ना, हाइड्रोजन तो नीचे आता है आपका, देखो आयरन, आयरन की बात करते हैं तो आयरन की, आयरन के साथ क्या डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ तो H2S निकलने वाली है ही नहीं, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर देख रहा है आपको। दूसरी बात सुनिए, मेटल डिस्प्लेसमेंट बोला है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको बिल्कुल समझ में आया, एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करो, यहाँ तो कोई मेटल नहीं है ना, एक सिर्फ आयरन हाइड्रोजन थोड़ी नहीं मेटल है, तो वैसे भी समझ सकते हो। तो सिंपल सा था, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग CP-CV=R, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पढ़ना भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही उसने पूछ दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिल्कुल मैं बेरिलियम के बारे में हमेशा डिस्कस करता हूँ, बेरिलियम के बारे में और लिथियम के बारे में, इनकी एलोमोलस जो प्रॉपर्टीज है ना, जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं अदर मेटल से कंपैरिजन में, एस ब्लॉक के, एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, बस वहीं से पूछा गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल्स हैलाइड्स व्हिच इज कोबाल्ट एंड ओलिविन रोजेनिक सॉल्वेंट्स, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड, बाकी स्ट्रॉन्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम कैल्शियम तो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड इज द आंसर, कोबाल्ट बोला है तो वहां से आइडिया बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, देखो लीस्ट स्टेबल की बात करते हैं तो लीस्ट स्टेबल में आपको पता है एक्लिस्ट फॉर्म, एक्लिस्ट फॉर्म यहाँ पे बॉन्ड एंगल जनरली आपको 0 degree ही मिलने वाला है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, बनेट्री तो आपका स्टेबल होता है, मेरी बात समझो, मोर स्टेबल होगी, लीस स्टेबल की बात करिए ना, तो 60 वाला यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सकती है, 120 पे भी स्टेबिलिटी मिलती है, बट 0 degree पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, बिकॉज वो एक्लिस्ट फॉर्म, फुली एक्लिस्ट फॉर्म आपकी जनरेट होती है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन, दैट इज द इथाइलीन डायमाइन EDTA इज एक्साडेंटेड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 4 ऑक्सीजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर्स आपके होते हैं। नेक्स्ट आरबीसी इज डायरेक्ट एनसीईआरटी, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल रीड कर लो लाइन बाय लाइन, तो विटामिन B12, ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए जाए, क्वेश्चन नंबर 81, मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस, ठीक है, 2200 केल्विन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आता है, जब हम डिफरेंट हम ब्लास्ट फर्नेस की स्टडी करते हैं ना, तो वहां पे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर इज 2200 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप देख लो यहाँ पे ये परोक्साइड उसने यूज किया है, दिस इज बेंजोइट परोक्साइड आपको यूज किया है, तो क्या कर रहे हैं भाई यहाँ से एच प्लस बी आर माइनस रिलीज होगा, तो आपको सिंपल से क्या दे रहे हैं भाई जो नेगेटिव पार्ट है ना, हम भाई परोक्साइड यूज किया एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक को आपको नेगेटिव पार्ट कहाँ लगाना है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बाहर लगा होना चाहिए, तो बाहर देखो कहाँ लगा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें अंदर लगा है मतलब ये भी होगा, इसमें देखो बहुत अंदर ये भी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब बनाना भी इनता सीधा सॉल्व करके बैठ जाते काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रो मतलब आप देखो यहाँ से इलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन इज पेंट टू इन दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, टू ब्रोमो पेंटेन, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टू पे लगा के दे रखा उसने ब्रोमीन, फिर बोल रहा है कि यहाँ से आपका बनना है पेंटीन, मतलब वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ लगा है टू पे, यहाँ पे लगा दिया उसने, तो मतलब एलिमिनेशन यहाँ से हुआ, यहाँ से आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एच यहाँ से बी आर, यहाँ से एच बी आर आपका यहाँ से इलिमिनेट हुआ, तो आप देखो एच बी आर, देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन थे दो, इसके पास कितने अल्फा आ रहे थे तीन, तो लैस से आपका रिलीज हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या है सेट जेप इज द आंसर, तो यहाँ पे आपका हकल रूल्स वगैरह का तो कुछ है ही नहीं है, वो तो आपका एरोमेटिसिटी वगैरह में आता है, हंट रूल की भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन के अंदर आता है, स्टेबिलिटी वगैरह इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग के साथ, हॉपमैन और सेट जेप हो सकता, सो हॉपमैन तो हो ही नहीं सकता, हॉपमैन आपका अगर यहाँ से रिलीज होता देन ही आपका हॉपमैन जनरेट होता, ये तो आपका सेट जेप हो गया इसका, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, मुझे डायरेक्ट इसका आंसर याद है 390.78, ये क्वेश्चन मतलब क्लास रूम का है, नोट्स का, नोट उठा के देखो, ठीक है नोट्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब मैं डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा इन्फिनिटी पे जब बात कर रहे थे ना, तो वहां से क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि NaCl HCl तीन चीजें दे रखी है, दो को जोड़ो तीसरे में से घटा दो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, ना फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, तो सॉलिड स्टेट में ना एक मैंने इजी ट्रिक बताया, अगर आपको याद होगा कि केमिस्ट्री टीचर क्लासरूम वगैरह मैंने बताया था ना कि क्लास में बैठ के वो इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स के बारे में बताया था, बस वहीं से है सीधा, अब सीधा पैटर्न फॉलो करोगे थ्री इज द आंसर, डायरेक्ट बीसीसी के बारे में पूछा गया कि टू आपके 14 जो बेबीज लैटिस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं वहां से बीसीसी के बारे में बात करें, तो आंसर क्या होगा थ्री विल बी करेक्ट, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, भाई डायपोल मोमेंट चेक कर लेना सेकंड ऑप्शन, डायपोल मोमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जीरो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 45 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन टू ऑक्टेन इज मोलर रेशियो ये दे रखा है, ठीक है मोलर रेशियो, फिर उसने आपसे क्या पूछा है भाई स्टेटमेंट उसने पूछा है वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर से देखो ये पूछा भाई पी ए नॉट, आपको बताया हम लोग ये सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दो बातें करी जा रही हैं, दो चीजें आपकी है एक ए और बी, तो इसका आपका पी ए नॉट इंटू एक्स है बाकी पी बी नॉट इंटू एक्स भी, बस यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आप उसको फॉलो दो, ये मोल रेशियो है ना यहाँ से मोल फ्रैक्शन पता चलेगा, पहले वाली की बात करो 3/5 हो जाएगा सेकंड एक्स है, दूसरी की बात करो 2/5, तो एक्स एक्स भी वैल्यू आपको ये हो जाएगी, बाकी पी ए नॉट और पी बी नॉट की आपको वैल्यू देखो नीचे दे रखी है, ये देखो ये आपको प्रेशर दे रखे हैं, बस उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो सीधा आंसर मिलेगा 336 mm ऑफ मर्करी, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये तो आसान था, अभी जस्ट मैंने टू डेज पहले मैंने सेम आपको डिस्कस किया था ये, ठीक है भाई NaBH4 जो है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को डिस्टर्ब करने वाला है, ये ईस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता है, कीटोन को डिस्टर्ब करेगा और उसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करने के बाद उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा भाई, तो आपका सेकंड डिग्री अल्कोहल तो कहाँ दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कीटोन वाला, ये सेकंड डिग्री अल्कोहल बट इसको भी डिस्टर्ब कर दिया ये नहीं होगा, इसको डिस्टर्ब नहीं किया बहुत अच्छी बात है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल समझ में आ गया। गुड, नेक्स्ट NaBH4 के बारे में प्रॉपर्टीज बढ़ाई है मैंने। नेक्स्ट 89, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट, उसने बोला कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइडियल गैस में और उसमें आइसोथर्मल कंडीशन है, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर जो डेल्टा यू है वो डेल्टा यू ना वो आपका जीरो रहता है बिल्कुल फिक्स है, और जब यहाँ पे आपका आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर उसका एक्सपेंशन किया जाएगा रिवर्सिबल में तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो सेकंड ऑप्शन, ये भी डायरेक्ट मतलब
मैं बोलूं आपके नोट्स है, करेक्ट एनसीईआरटी जो हम पढ़ते हैं ना, जो मैं क्लास में लिखाता हूँ एज इट इज नोट्स है, ये मैं लाइन लिखाता हूँ सीधा सीधा लाइन से क्वेश्चन आया है 90 द मोलर कंडक्टिविटी। ये तो बिल्कुल आसान था भाई, इसमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, बाकी आपको यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। आप प्लीज यूनिट्स को ध्यान से देख सकते हो, उसे बस सीवन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर यूनिट बचते हैं। व्हाट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, मतलब उसने के ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको देखो लैम्डा के साथ ये वैल्यूज दोनों दे रखी है आइंस की, है ना, कैटायंस एंड आइंस की। तो अल्फा इज इक्वल टू पहले निकालो यहाँ से, ठीक है, 20 आपको दे रखा है। दूसरी बात करें तो यहाँ से आपका ये आपको कितना आ जाएगा, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका दोनों एसिटिक एसिड बन जाएगा ना, एसिट आयन प्लस एच प्लस आयन, तो 400 सॉल्व करेंगे 0.05 अल्फा आ गया। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर करो, कॉन्सेंट्रेशन पता है, के निकल के आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ, ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होते हैं सीधे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 90, ये ऑलरेडी डिस्कस अभी मैंने कर दिया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 91। अब इसमें तो आपको पता है कि भाई जो बातें करी गई हैं ये आपके यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स को लेके बात करी गई है। अब ध्यान दो, यहाँ से बोर मैग्नेटून आपको सारी बातें, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये फर्स्ट है, सेकंड आयरन, सारे आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है फॉर्मूले में, तो आपका थर्ड ऑप्शन बैठेगा करेक्ट। आप सॉल्व करके देख लेना, बिल्कुल 100% आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, ठीक है। आप सिर्फ आंसर की एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ये आंसर सही होगा। बाकी मैं बता दूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से पीवी इसको 90 फॉलो किया गया। तो देखो 2 ग्राम आपको दे रखे हैं, इनके आपके मोल्स निकाल लो ओवरऑल, तो मोल्स निकालेंगे, बस मोल्स की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देंगे, आर की वैल्यू पता है, टी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे नीचे आपको 273 केल्विन, और वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन में इधर रखा है 1 लीटर, बस सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल गया, पीवी इज इक्वल टू एनआईटी, कितने को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआईटी, फॉलो करो। यहाँ से प्रेशर के बारे में बात करी गई है, आपको मोल्स यहाँ से मिल जाएंगे, बस मोल्स को सीधा ऐड कर दो दोनों को, और आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसने इससे आसान क्या हो सकता है, एनी सोडा लैम पढ़ाया था ना, सोडा लैम अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था, ये भी सोडा लैम रिएक्शन सेम, इस रिजल्ट को पढ़ के जाना, मैंने बोला था और क्लास में था कि ये सिर्फ कहाँ अटैक करता है, ये सिर्फ आपका जो एसिड वाला सेक्शन है ना, या एसिड के जो डेरिवेटिव एसिड जो सेक्शन है उसको अटैक करेगा, वहां से Na2CO3 को बाहर निकाल देगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से क्या करेगा, वो CH3 जनरेट करेगा, और आपको पता है यहाँ से CaO आना चाहिए, तो CaO इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रिएक्शन दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, बाकी आपको सिर्फ टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करी जाए, अब ध्यान दो 94 में इस लोग पूछा है अरेनियस इक्वेशन पता होने से, अरेनियस इक्वेशन में एलन के साथ 1/T ग्राफ कुछ यूं आता है, अगर स्लोप की बात करें तो माइनस ये वाई आर आएगा, बस यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है, आर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, कितनी हेल्प कर दी उसने, और बाकी आपको ईए की वैल्यू आपको यहाँ से क्या करनी है, ईए की वैल्यू निकालना है, बस ईए की वैल्यू निकालो, आंसर आपको मिलेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन। ओके, कौन सा ऑप्शन सा करेक्ट होगा, सॉल्व करेंगे इसको तभी आंसर मिलेगा। यस, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका निकलेगा 4, है ना, मैं जस्ट कैलकुलेट किया है, इसका आंसर आएगा आपका 4, डेफिनेटली 4 इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंटरमीडिएट, अब इसने पूछा है इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट के बारे में बात करी गई, आपको पता है कि यहाँ से Cr2CL2 फॉलो किया गया है, तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, बताओ, चलो सोचो, बिल्कुल इटाल्ड रिएक्शन पढ़ी है ना अपन, इटाल्ड रिएक्शन हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है, तो इटाइल्ड रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा भाई, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा सीधा, तो इटाइल्ड रिएक्शन की बात करें तो बेंजाल्डिहाइड तो मिल गया, बट क्वेश्चन तो हाइड्रोलिसिस कराने के साथ एसिटिक मीडियम में, है ना, तो CH2, अब इसका इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो ये है देखो पापोला, ये इंटरमीडिएट रहा, बिल्कुल बात भाई, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको अपन ज्वाइन करते हैं CH के साथ, बस वही है, तो 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट को अटैच करना है भाई, एसिटरेन, ये रहा देखो एसिटरेन कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा, ये एसिटरेन हो जाएगी, बाकी ओजोन डिप्लेक्शन, ठीक है, ओजोन डिप्लेक्शन की बात करी जाएगी, यस, तो बी आपका ये देखो, ये रहा HCl हम पढ़ते हैं ना, यस, देन आपको ओजोन डिप्लेक्शन, तो सिर्फ कनेक्शन करना था आपको, ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा था, सेकंड ऑप्शन, ये भी केमिस्ट्री नेबुलाइफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से। लास्ट है आपका आइस इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, ठीक है, नॉट पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो सिंपल चेक करना है भाई, आयरन के साथ Mn निकाल लेना इलेक्ट्रॉन्स, तो आइस इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा ये, ठीक है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपके बराबर होनी चाहिए, तो भी आइस इलेक्ट्रॉनिक होगा, बराबर नहीं है तो आपका नॉट आइस इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लास्ट आपको देखो इसको मैच करना था यार, बिल्कुल आसान था, फर्स्ट में क्या CO+HCl दे रखा है गटरमैन कोच, है ना, CO+HCl में से होता है
सीओ प्लस एस सी एल कोच, कोच में सीओ साउंड आता है ना, रिलेट करते हैं इसको, गटरमैन कोच सीधा दे रखा है। नीचे आपको देखो तो रेड फॉस्फोरस दे रखा है इसके साथ एसिड के साथ, तो हॉल बेलार्ड जेलेंस्की हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको पता है ये आपको ये हेलो फॉर्म दे रखा है सीधा, और ये लास्ट वाला आपका इस्टिफिकेशन एसिड प्लस अल्कोहल दे रखा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, कि व्हिच इन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन स्ट्रक्चर सीक्वेंस इज नॉट, देखो कितनी बार नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है बार बार, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो आपको पता है कि इंक्रीजिंग पीके, अब पीके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो क्या ये सिक्वेंस आपके मतलब वो बोल रहा है कि गलत कौन सा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सिक्वेंस आपका ये भाई इंक्रीजिंग पीके है क्या, ये गलत आंसर दे रखा है भाई। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपकी देखो, अगर पीके वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, बट यहाँ तो आपको बिल्कुल इनकरेक्ट ही दे रखा है ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे एसिडिक बेसिक की सिक्वेंस टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, बिकॉज एच प्लस है ना इजिली रिलीज होता है। नेक्स्ट है द रिएजेंट आर इज गिवन सिक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, भाई बिल्कुल आसान था। देखो यहाँ पे क्या है, यह आपका डायटोजिशन वाला सेक्शन दे रखा है, यहाँ से आपका अमाइंस वाला सेक्शन है एरोमेटिक, वो कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl के अंदर, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट क्रिएट हो गया। अब डायजोनियम सॉल्ट के साथ बच्चों यहाँ पे पूछा है कि भाई ये क्या होना चाहिए कि लास्ट में ये आपका ब्रोमीन डेवलप हो जाए, तो N2 भी बाहर गया हो गैस की फेज में, Cl भी बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से हम जो फॉलो करते हैं दैट इज अल्कोहल, अगर यहाँ से हम अल्कोहल फॉलो करेंगे तो उस केस में आपका जो Cl है वो भी बाहर जाएगा, N2 गैस भी बाहर जाएगी, लास्ट में आपको ये आंसर मिलेगा, तीनों ब्रोमीन आपको दिख रहे हैं वो पूरा सेक्शन बाहर गया, यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम को फॉलो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अल्कोहल। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छा था, बट इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन होता है बड़ा खत्म। और मैं आपको डेफिनेटली बता दूं, आप चलो ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ कि फाइव क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं भी बने तो बाकी क्वेश्चन तो आपसे बनने चाहिए, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई, 50 क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चंस नहीं भी बने हैं, ठीक है, तो भी आपके तो 45 मतलब मैं 40 का भी अगर रह के चलो 4 कर देता हूँ, तो 160 तो सॉलिड आने चाहिए मार्क्स, तो 160 मार्क्स बिल्कुल आने ही चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चेक करके बताना कितना कितना स्कोर आया है।